खबर हासौ छत्तीसगढ़ से, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में जिला संगठन प्रभारी अर्जुन तिवारी एवं जिला अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हसौद अध्यक्ष कुशल कश्यप के नेतृत्व में एक दिवसीय भारत छोड़ो पदयात्रा पिशौद बड़े खेल खुर्द भात माहौल डोंगरीडीह बिरदा तक किया गया। यात्रा के समापन में कांग्रेस नेताओं ने राहुल की पदयात्रा को देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने वाला बताया। भारतीय जनता पार्टी एवं बसपा विधायक पर जमकर निशाना साधा। पदयात्रा की अगुवाई कर रहे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कुशल कश्यप ने कहा कि देश इस समय सांप्रदायिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। देश के अंदर नफरत की बीज 1925 से बोया गया, आज धीरे धीरे पेड़ बन गया है। विखंडनकारी तत्वों ने धर्म समाज के नाम पर वातावरण में जहर खोल दिया है, समाज की एकता अखंडता को तार तार कर दिया है। भाईचारा सौहार्द की जगह अविश्वास नफरत ने ले लिया है। देश के अंदर भाईचारा अपनापन कायम रहे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में भाईचारा और अपनापन का रिश्ता कायम करना है। हसौद ब्लॉक पदयात्रा प्रभारी कमल किशोर ने कहा कि जब जब देश के अंदर पदयात्रा हुई, सामाजिक एकता और अखंडता को मजबूती मिली। कांग्रेस सदैव से भाईचारे पर विश्वास करने वाली पार्टी है। देश में सभी जाति वर्ग समुदाय को साथ लेकर चलना कांग्रेस के संस्कार में है। सभा को सुरेंद्र भार्गव, मधुसूदन साहू, छोटू दास, महंत विजय चंद्रा, रमेश कश्यप, शत्रुघ्न चंद्रा, सीताबाई जाटवर, सुशीला यादव, सुमित्रा रात्रे, माधुरी टंडन, रामकिशन घृत लहरे ने भी संबोधित किया। संचालन दुजराम साहू ने किया। पदयात्रा में प्रमुख रूप से बालेश्वर साहू, रामराज्य पांडे, शिव साहू, तो सीबा लायन, भोजराम, हरबंस, गफ्फार खान, संतोष साहू, खेमराज, अमरदीप जायसवाल, जमुना भाई सांते, पूनम लहरे सांते, खुंटे उंसा कश्यप, गौरी यादव, रमाबाई धनबाई सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।